सो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ऑफ डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया में जो होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिंस हैं जो डिसमेनोरिया के डिसीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, उनको हम बार बार एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास है बेलाडोना, जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है थेरापेटिक्स के लिए। तो उसमें क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। सडन एंड वायलेंट ऑनसेट ऑफ पेन इज की नोट ऑफ दिस रेमेडी। ये तो इसका की नोट, बेलाडोना का की नोट ही है, जो कि सब जानते ही हैं कि सडन और वायलेंट, और इसमें वायलेंट पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, और पेन कम्स एंड गोज सडनली, मतलब आएगा और जाएगा, पता भी बहुत मतलब वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, आएगा और जाएगा। और इन्फ्लामेटरी कंडीशन आपको देखने मिलेगी इनकी जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से उसमें थ्रॉबिंग टाइप ऑफ सेंसेशन आएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम हमें देखने को मिलेगा कि कटिंग पेन होगा, हिप टू हिप होगा, जो कि हिप टू हिप है, जो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है याद रखने के लिए। बेयरिंग डाउन फीलिंग, पेन इन एब्डोमेन, पेन इन लॉइन एंड सैक्रम। उसके बाद अगर हम मेंसिस देखें उनके बेलाडोना के, तो वो बहुत ही जल्दी है, अर्ली टू प्रोफ्यूज, ब्राइट रेड, हॉट एंड ऑफेंसिव। तो ये थे उन बेलाडोना के मेंसेस। उसके बाद है उसकी मोडालिटी। तो अग्रेवेशन है उसको लाइट मोशन, टच, नॉइस, लाइंग डाउन से, और अमेलियरेशन है बाय स्टैंडिंग, सिटिंग, इरेक्ट, इन वार्म रूम एंड कवरिंग। उसके बाद अगर हम देखें कोलोसिंथ, दूसरी रेमेडी फॉर डिसमेनोरिया, ये भी होम्योपैथिक थेरापेटिक्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है डिसमेनोरिया के लिए, जिसमें एलवेंट फॉर्म भी हमें मिलेगा। तो इसमें एलवेंट फॉर्म किस कारण से इस पेशेंट को तकलीफ होती है, तो कि एंगर, कैचिंग कोल्ड, चैग्रीन, ग्रीफ, और पर्टिकुलर इंडिकेशन उनकी हम देखें तो डिसमेनोरिया विथ सीवियर न्यूरालजिक पेन अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व। यानी कि जो उसमें न्यूरालजिक पेन आपको देखने को मिलेगा, और जो भी नर्व का पूरा कोर्स है उसके साथ साथ आपको वो पेन कंटिन्यू दिखेगा। हाँ, एगोनाइजिंग पेन इन अपडोमेन कॉजिंग द पेशेंट ऑन बेंड डबल, ये आपने बहुत कोलोसिन पढ़ते वक्त देखा ही होगा, बेंडिंग डबल। तो यहाँ पे उसको इतना एगोनाइजिंग, यानी कि उसको इतना पेन होता है कि वो उसको बेंड हो जाना पड़ता है। और उसके बाद अगर देखें तो वो रेस्टलेस, ट्विचिंग एंड टर्निंग टू ऑब्टेन रिलीफ, वो रिलीफ के लिए ट्विचिंग और टर्निंग होता रहता है। और पेन एज इफ क्रैम्प विथ आयरन बैंड, ये भी कोलोसिन का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद अगर हम मोडालिटीज देखें तो अग्रेवेशन बाई कोल्ड, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एंड अमेलियोरेशन बाय डबलिंग अप एंड हार्ट प्रेशर। उसके बाद अगर तीसरी मेडिसिन देखें तो वो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। तो उसमें भी हमें एलमेंट फॉर्म मिलता है। तो एलमेंट फॉर्म किस में है, इससे किससे है, तो कि कोल्ड वाटर, कोल्ड बाथिंग से है। और पर्टिकुलर इंडिकेशन में हम देखें तो मेंस्ट्रुअल कोलिक, मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया हमें इसमें देखने को मिलता है। पेन ड्यूरिंग एंड प्रीसीड फ्लो, पेन इसमें कैसा होता है, तो कि शार्प कटिंग, स्टेबिंग, कम्स एंड गो सडनली विथ अ कॉन्स्ट्रिक्टिंग सेंसेशन। नाउ देर इज ओवेरियन न्यूरालजिया, पेन शूटिंग एंड ड्यूरिंग लाइक लाइटनिंग। और इसके मेंसेस की अगर हम बात करें तो टू अर्ली, डार्क एंड स्ट्रेंज होता है। और पेन बिफोर मेंसेस, बेटर आफ्टर फ्लो स्टार्ट। मोडालिटीज अगर हम देखें तो अग्रेवेशन बाय राइट साइड, कोल्ड, टच, नाइट, एंड अमेलियोरेशन बाय वार्म्थ, बेंडिंग डबल एंड प्रेशर। उसके बाद अगर हम देखें दूसरे मेडिसिन, तो वो है पल्सेडिला, जिसमें एलमेंट फ्रॉम है चिल, गेटिंग फीट वेट, नर्वस डेबिलिटी एंड क्लोरोसिस। उसमें पर्टिकुलर इंडिकेशन हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेनार्की ऑफ, और व्हेन द फर्स्ट सीरियस इम्पेशेंट ऑफ हेल्थ इज रिफर्ड टू द एज ऑफ प्यूबर्टी। मेंसेस, इसमें मेंसेस कैसे होते हैं, तो टू लेट, स्कैंटी, स्लीमी एंड पेनफुल। पेन कैसा है, ड्राइंग, टीयरिंग, इरेक्टिक,
एरेटिक रैपिड शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब इसमें पल्सर डिला में जो पेन होता है वो शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट रहता है, उसके साथ कोल्डनेस रहती है, चिलनेस रहती है। मोडालिटीज अग्रेवेशन बाय हीट, रिच फैटी फूड, ईटिंग टूवर्ड इवनिंग, वार्म रूम, लाइंग डाउन ऑन लेफ्ट साइड, अमिलरेशन इन ओपन एयर, मोशन, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। उसके बाद हम कोलोफाइलम देखेंगे, तो एलिमेंट फ्रॉम है इसमें यूट्राइन एटोनी की वजह से उसमें डिसमेनोरिया देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर इंडिकेशन में हमें देखेंगे कि स्पास्मोडिक डिसमेनोरिया इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें, विथ पेन फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शन, पेन इंटरमिटेंट पैरोक्सिमल एंड स्पास्मोडिक। मेंसेस में कैसे होंगे, बहुत अर्ली, प्रीसीड बाई पेन इन स्मॉल ऑफ बैग, बैड ब्रीथ, बिटर टेस्ट, फ्लो वेरी स्कैंटी विथ इंटेंस नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ येलो बिटर मैटर। उसके बाद हम मोडालिटीज़ अगर हम देखें तो अग्रेवेशन बाय ओपन एयर, कॉफ़ी, मोशन और अमिलोरेशन बाय वार्म्थ। तो ये थे डिसमेनोरिया की थेरापेटिक्स होम्योपैथिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।